हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है, इसके आंसर की हम लेके आए हैं, सटीक आंसर की और सटीक जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न जो है कि कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनारक्षित वन, पहले का दूसरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी अनारक्षित वन, आपको जिसने भी किया है एक नंबर मान लेना है। प्रश्न नंबर दूसरा, चित्तौड़गढ़ किले के में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो दूसरे का हो जाएगा बी भोज परमार। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर है तीन कि राजस्थान लोक साहित्य री बिट्ठू हरदास काई है, तो तीसरे का हो जाएगा डी लोकगीत है यह। आगे चलते हैं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो अवनालिकाएं कहा जाएगा, अवनालिकाएं। ठीक है, आगे प्रश्न है पांचवा। राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण शीर्षन्यासु आख्यान काव्य गुण लिखियो, तो यहाँ पे पांचवे का हो जाएगा सी आंसर, मेहाजी गोधरा। आगे चलते हैं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो वालर कृषि जो होती है, स्थानांतरित कृषि को वालर कृषि कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर छठे का हो जाएगा ए स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो सातवें का हो जाएगा 1972 सी। प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रहणी है, तो धान कथा हो जाएगा आठवें का सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किसे राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो मानसी ही हो जाएगा डी, नवे का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर दसवें का चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो दसवें का हो जाएगा ए भोपे जो होते हैं फड़वाचन का काम से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर ग्यारहवा कि कौन सी राजस्थान के लोक नाट्य शैली नहीं है? तो ये हो जाएगा ढाडी, ग्यारहवें का सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर बारहवा, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, तो वह साक्षर कहलाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। जसनादी संप्रदाय री प्रधानपीठ कठिनी है, तो 13वें का हो जाएगा बी कत्रिया सर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद माथुर। प्रश्न नंबर 14वें का हो जाएगा डी त्रिलोक चंद माथुर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न पे कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? तो झालावाड़ कोटा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16वां, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन जो होता है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन सी इज राइट। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आए। आगे चलते हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर, अरावली का उच्चतम शिखर हो जाएगा गुरु शिखर, ऑप्शन ए इज राइट। प्रश्न नंबर 18वां, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सी ऑप्शन इज झलरापाटन। प्रश्न नंबर 19, बसे बिसलती विरासो किण भात्रो काव्य में है? तो प्रेम काव्य हो जाएगा बी। कजली तीज कहाँ मनाया जाता है? तो कजली तीज जो होती है बूंदी में मनाई जाती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर चलते हैं 21 पे, 21 का जो आंसर हो जाएगा भारत गौरव रेल मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा और उनके शाही स्थानों को बताने हैं तो युग को पुनः दर्शाने के लिए, ये तो 21 का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगर चलते हैं 22 पे, 22 का जो है मनेहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक गैस यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं 23 पे। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला चित्रकारों कमला एवं मिलाची के नाम चित्र किस चित्रकला से संबंधित है? तो नाथद्वारा शैली से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिसने भी बी किया है राइट कर लेना।
प्रश्न नंबर 24 जो है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की कुमारी थी, राजकुमारी थी, जिसके विवाह की विवाद ने राजपूताना में राजनीति को उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी। तो वो थी उदयपुर रियासत। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है, तो भोराट कहलाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहरपीर के रूप में भी पूजा की जाती है, तो वो जाएंगे अपने गोगा जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 26 क्वेश्चन नंबर, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो मंडन था। ऑप्शन सी इज राइट। 28 क्वेश्चन, आदिकालीन चारण शैली क्रा रचनारी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन, वज्रसेन सूरी, राइट कर लेना है आपको। प्रश्न नंबर 29, हड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन ही बोली जावे है, तो हड़ौती बोली आप सब जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, कोटाबूंदी। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित से किस संबंध में देते हैं, तो तेरापंथी जो होता है जैन धर्म से संबंधित होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। कि कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है बताना है अपने को। कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है सावित्री माता मंदिर रोफे सिरोही में। चलते हैं, कथेतर गद्देरी पोथी ओलूरी आख्यार तरह रचनाकार हैं, तो 33 का हो जाएगा सी ऑप्शन, नेम नारायण जोशी, राइट हो जाएगा। चलते हैं 34 पे, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, मरु उद्यान जैसलमेर में है। प्रश्न नंबर 35, वैली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, आमेशु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी, तो 36 का हो जाएगा अवधि भाषा। आगे चलते हैं 37 का, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा रेगुर मिट्टी से नाम से जानी जाती है। 36 का हो जाएगा, डी हो गया अवधि, और 37 का जो हो जाएगा रेगुर मिट्टी, राइट आंसर है। ठीक है, अगर चलते हैं, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, 38 का उदयपुर में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 39, कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो किशनगढ़ से थे। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान वन नीति लागू की गई थी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2010 में लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 41, कि स्त्रियां जो होती है बोरला भूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिर पे पहनती हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल आप सभी जानते हैं, खमनौर की पहाड़ियां। प्रश्न 43, बरखान है, बरखान क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा रेत के टीले हैं। प्रश्न नंबर 44, रखड़ी और टोटी है, रखड़ी और टोटी जो होते हैं पुरुषों के वस्त्र होते हैं, ऑप्शन बी से राइट आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, 44 का जो महिलाओं के गहने हैं, रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने हैं। ऑप्शन 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सभ्यता धौलकोट है, तो धौलकोट की सभ्यता यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, अहड़। प्रश्न नंबर 46, मेजा बांध बनाया गया है, मेजा बांध जो होता है कोठारी नदी पे बनाया गया है। प्रश्न नंबर 47, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 में की गई थी। प्रश्न नंबर 48, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो ताम्रयुगीन स्थल है। प्रश्न नंबर 45, बीकानेर के निकट सम्राटल किस देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था, तो थे जाम्बू जी। 49 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, राजस्थान में प्रथम जनरल बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2012-13 में। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, तो 52 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 1950 में। प्रश्न नंबर 53, शैक्षिक अनुप्रयोग में
वस्तु किस प्रकार होनी चाहिए, तो सरल से कठिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 54, 54 क्या कह रहा है कि राजस्थान के कितने ज़िले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन इज फर्स्ट चार, 54 का हो जाएगा ए चार है, 55 क्वेश्चन नंबर 55, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अलाभित असुविधाकृत असुविधाकृत समूह में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब जो आयोजित जो मेगा मेला है 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था, तो उदयपुर में किया गया था। प्रश्न नंबर 57 राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में अखबारों में थे किस खेल से संबंधित हैं, तो किस खेल से संबंधित थे 57 का हो जाएगा सी आंसर फुटबॉल से संबंधित थे। सरसों अनुसंधान निदेशालय का कहाँ है, तो 58 का आंसर हो जाएगा भरतपुर में है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो सूरतगढ़ गंगानगर में है। प्रश्न 60 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा CBO होता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है, कौन महिला है 61 का हो जाएगा डी आंसर कैप्टन शिवा चौहान। 62 हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील पर है, तो 62 का हो जाएगा जैसमंद झील। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया है, तो 63 का हो जाएगा ए डॉक्टर कृति भारती को दिया गया है। प्रश्न नंबर 64 पे निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 64 का हो जाएगा बी निशानेबाजी से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 65 विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए, तो 3/4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया है, तो 66 का हो जाएगा ए 29 जुलाई 2021 को। प्रश्न नंबर 67 कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था, तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में। प्रश्न आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, तो कहाँ पर है, तो 68 का हो जाएगा डी आंसर उदयपुर में। चलते हैं 69 टोक्यो पैरालंपिक 2020 ओनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए हैं, तो ओनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए हैं। 7 आगे चलते हैं 70 राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो हो जाएगा 2014-15 में शुरू की गई थी। सेवेंटी का हो जाएगा राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2013-14 में। 71 पे चलते हैं 71 का क्या प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता मंदिर किस जिले में स्थित है, 71 का हो जाएगा उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 72 अष्टाहिंद 2022 का आयोजन स्थल था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया था। प्रश्न नंबर 73 कि राजस्थान राज्य का अधिकाधिक नृत्य है जो घूमर है। प्रश्न नंबर 74 राजस्थान के अर्जुन जाट ने टोक्यो
ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो 74 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नौकायन में उन्होंने भाग लिया था। 75 क्वेश्चन नंबर अधिगम क्या है, अधिगम क्या है? तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय और प्रक्रिया। आगे चलते हैं 76 पे, 76 का क्या है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी जोधपुर में किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पे कि राजस्थान आरटीई अधिनियम कितने भागों एवं कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पे 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 78 पे चलते हैं कि भारत का डिजिटल अकाई हुए राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा बीकानेर। प्रश्न नंबर 79 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सुनिश्चित करता है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये आरटीई 2009 चलाया गया है। अगर चलते हैं प्रश्न नंबर 80 पे, जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में एक नल पानी उपलब्ध करवाना है, तो हो जाएगा 2024 तक उपलब्ध करवाना है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर 80 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 81 पे कि अजय सिंह शेखावत किस खेल से संबंधित हैं? तो 81 का जो हो जाएगा राइट आंसर सी भारोत्तोलन। अब आगे है प्रश्न नंबर 82 कि दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो मूर्त, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी मूर्त से अमूर्त की ओर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 84 कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार के द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 3 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी वहाँ पे। प्रश्न नंबर 85 की बीबी जरीना का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो 85 का अपना राइट आंसर हो जाएगा सी धौलपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 86 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो सी हो जाएगा भालू या रेछ। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है कि ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है? तो ए हो जाएगा राइट आंसर, सीमा सुरक्षा बल से है। प्रश्न नंबर 88 कि RSIT राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1975 में। प्रश्न नंबर 89, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 30:1 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 पे, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 का भी बी आंसर वुड्रो विल्सन हो जाएगा। आगे चलते हैं 91 पे, यहाँ पे इंग्लिश में जो क्वेश्चन दे रखा है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फैट डेट फेलो शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो यहाँ पे 91 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, 91 का सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन जो हो जाएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गर्म करने पर पेटिलियम जो तार है वो चमकने लग जाता है। प्रश्न नंबर 93 पे एटलस पर्वत कहाँ पर है? जो एटलस पर्वत है अफ्रीका में है, ऑप्शन डी 93 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 94, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हो जाएगा सी गंगा। आगे चलते हैं 95, यहाँ पे कोई सवाल दे रखा है, तो 95 का जो हो जाएगा राइट आंसर 7 हो जाएगा ए, 95 का ए आंसर राइट हो जाएगा। 96 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुमापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? तो 96 का हो जाएगा डी आंसर, K2Cr2O7। आगे चलते हैं 97, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं
संसदीय शपथ को शपथ कौन दिलाते हैं? तो मुख्यमंत्री दिलाते हैं। 97 का ए ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं 98। निम्नलिखित में शब्द को छांटना है, तो यहाँ पे 98 का सी हो जाएगा, अभिज्ञ ऑप्शन जो है राइट है। आगे चलते हैं 99। यहाँ पे कोई सवाल दे रखा है, 99 का जो राइट आंसर अपन मानते हैं डी, 99 का हो जाएगा डी, 100 जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्य क्रम में सक्रमक क्या नहीं है, तो यहाँ पे रमा हस्ती है जो सी ऑप्शन है जो राइट है, 100 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 101 में मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था, 101 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 102 कि राजस्थान में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बलवंत सिंह मेहता ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। आगे चलते हैं कि ऑप्शन 103 है सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में क्या क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, 103 का डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 में यहाँ पे एक करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस देखना है, ही हैड नो वर्क डन, डन द वर्क, तो 104 का जो राइट आंसर होगा ई, 104 का ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 पे, 105 क्या कह रहा है कि गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा है रूप है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरणाथक रूप है। आगे चलते हैं 106 प्रश्न नंबर 106 पे, 106 का जो है वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन के निम्न में सही दर्शाया गया है, तो यहाँ पे सही क्या है, 106 का जो है सी हो जाएगा, ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल और CO2 प्लस जल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 106 का सी टिक कर देना आप। एक प्रश्न नंबर 107 का जो है यहाँ पे सवाल है, 107 का क्या है, तो 107 का ए इज द करेक्ट आंसर, 42 आंसर सही आएगा आपका। प्रश्न नंबर 108 पे चलते हैं, यहाँ पे फिलिंग द ब्रैंक रखा है, तो इट क्या है, 108 का देखते हैं, 108 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेफ्ट आंसर सही होगा, 108 का सी आंसर सही होगा। अगर चलते हैं 109 पे, 109 का जो है अपन सही आंसर देखते हैं, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर चलते हैं 110 पे, 110 प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, तो हो जाएगा सी आंसर, राज्य को जो है सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 111 कि किस पिंड पर कार्यरत बल शून्य हो जाता है, तो उसको संवेग क्या होगा, नियत रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 111 का बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 112 कि 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है, तो 79 होगी, 112 का बी आंसर राइट होगा, 79 जो है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 113 पे, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है मित्रों, आप पढ़ लेना, उसका हम राइट आंसर बता देते हैं, 113 का राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं 114 प्रश्न, 114 क्या, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथेम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो हेपेरिन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 114 का ए आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आगे चलते हैं, रैखिक युग्म के कोणों का योग क्या होगा, रैखिक युग्म का जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 116 की निम्नलिखित में से जो वर्गात्मक एवं युग्मपद समीकरणों को हल करने में कौन सा उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा, 116 का सी ऑप्शन राइट। 117 का में देखते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे हम। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो 118 का हो जाएगा ए ऑप्शन, शासन व्यवस्था जो है प्रभावित करेगी। प्रश्न नंबर 119 पे चलते हैं कि सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है, तो हम आपको राइट आंसर बताएंगे कि 119 का डी आंसर राइट आंसर होगा, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं कि 120वां प्रश्न, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्षा में प्रदर्शित किया गया है, तो इस बोर्ड को क्या कहेंगे हम, तो यहाँ पे 120 का हमारे राइट आंसर हो जाएगा, 120 का फ्लैनन बोर्ड कहेंगे, डी 120 का डी आंसर हो जाएगा। 121 पे चलते हैं, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो, तो उसमें निम्नलिखित में से किस गुण का अभाव होगा, किस गुण का अभाव होगा, तो विभेदीकारित का अभाव होगा, 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विभेद करेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 122, यहाँ पे स्पीच मस्ट ऑफ प्रिसीज, यहाँ पे 122 का राइट आंसर हम लेते हैं, सी ऑप्शन इज राइट, रीडिंग और राइटिंग।
123 पे चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में कुछ नहीं, 123 में विद्यार्थियों के अधिगम की कमजोरी की पहचान करने किस परीक्षण के, तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण काम सहायक होगा। प्रश्न नंबर 124 कि कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हैं तो उपयुक्त नहीं है, तो हो जाएगा सौर मंडल। 124 का डी आंसर राइट। प्रश्न नंबर 125 कि डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो ऑप्शन 125 का इस बी आंसर हो जाएगा। मानसिक विकार मंद बुद्धि बालकों के लिए डेक्रोली विधि प्रयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 126 क्या कह रहा है हमने कि यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी प्रच्छाउपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है, प्रच्छाउपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या नभी भूमिका होती है, तो सर्च करता है अभी प्रेरक हो जाएगा। 126 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 127 पे चलते हैं कि कौन सा कागज़ प्लेनन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो 127 का हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सोखता कागज। चलते हैं प्रश्न नंबर 128 पे, 128 क्या कह रहे हैं कि यूजफुल ऑफ द लोअर सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे पता नहीं है अपन को। 128 में जो डी आंसर डायरेक्ट मेथड। प्रश्न नंबर 129 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग मेथड का प्रश्न है, तो 129 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 130 पे, यहाँ पे परीक्षक बोर्ड पर निबंधात्मक प्रश्नों की जांच के तो अंकन योजना का उपयोग करता है, परीक्षक छात्र द्वारा किए गए उत्तर की विशेषता की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषता से करने के बाद अंकन प्रदान करता है, तो यहाँ पे मापन की किस विधि का उपयोग हो रहा है वो बताना है अपन को। 130 में जो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेडिंग विधि हो रही है। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण में अधिगम खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है, खोज उपागम हो जाएगा एच ई आर्मस्ट्रांग। 131 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 132 पे चलते हैं कि कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है, तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी आंसर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 133 प्रश्न क्या कह रहा है कि वाचन की विश्लेषणात्मक विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, तो 133 का जो हो जाएगा राइट आंसर सी, कहानी विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 134 पे कि निम्नलिखित कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है, तो एपिडाइस को पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 135 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिटिजन टेस्ट, 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर, इफेक्टिवनेस। प्रश्न नंबर 136 136 प्रश्न क्या कह रहा है कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है, तो वो हो जाएगा 136 का सी आंसर राय, वस्तु समानुक्रम परीक्षण। प्रश्न नंबर 137 में रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, तो वह शिशु जिसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यहाँ समायोजन का तंत्र प्रतिगमन होगा। 137 का जो है ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं 138 के जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई की कितना प्रतिशत रहता है, तो 25% रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 139 पे कि IEP का पूर्ण रूप क्या है, तो IEP का पूर्ण रूप जो हो जाए इंडिविजुअल एजुकेशन इन एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन इज द सी, 139 का सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 पे कि व्यक्ति वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, यह किसने कहा है, तो यहाँ पे कैटल वाइसअप हो जाएंगे। 140 का बी आंसर राइट। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है, गलत कौन सा है, कोहलर चैंपियन सही है, स्किनर चूहा सही है, पावलो कबूतर ये सही नहीं है, थोड़ा बिल्डिंग सही है, तो 143 का सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 142 प्रश्न पे कि कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो 142 का जो सही आंसर रहेगा सी आंसर, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 143 कि बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों में। 143 का सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 पे चलते हैं कि एक शिक्षक ने देखा कि राना जो रानी है
सही वर्तनी लिखने में परेशानी है तो बड़े एवं छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पा रही है तो अक्षर बनाने में परेशानी आती है तो उसे कौन सी विकलांगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसग्राफिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 144 का बी आंसर राइट हो जाएगा मित्रों। अगर चलते हैं 145 पे, 145 ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित होते हैं, तो यहाँ पे 145 प्रश्न के आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गार्डन मर्फी। प्रश्न नंबर 146 LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो 146 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 147 पे कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस की का प्रयोग किया जाता है, तो 147 का डी आंसर हो जाएगा सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। 148 रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है, तो बेतार तरंगे हैं जो हैं। 148 का राइट आंसर होगा ए आंसर। आगे चलते हैं 149वां प्रश्न, जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं, डेटा क्या होते हैं, 149 का राइट आंसर होगा डी एम्बेडेड होते हैं। प्रश्न नंबर 150 की पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या होता है, तो डिजिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 का डी डिजिटल पुस्तकालय हो जाएगा। मित्रों आपने यहाँ कितने प्रश्न राइट हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ में। तो तब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को प्रेस करें। थैंक यू।